हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे चैनल सीमा हाईलाइट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए NCL टेक्नीशियन सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म की पूरी डिटेल लेकर आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन तो दबा दे ताकि आगे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पर जाना होगा, जिससे हमारी गूगल की साइट ओपन हो जाएगी। गूगल की साइट ओपन होने के बाद ही हमने इसमें सरकारी रजिस्टर करना पड़ेगा। सरकारी रजिस्टर सर्च करने के बाद हमारी सरकारी रजिस्टर की साइट ओपन हो जाएगी। ये हमारा सरकारी रिजल्ट की साइट का लिंक है जिस पर हमें क्लिक करना होगा, जिससे हमारी सरकारी रिजल्ट की साइट ओपन हो जाएगी। सरकारी रिजल्ट की साइट ओपन होने के बाद हमें थोड़ा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद हमें इस पे NCL टेक्नीशियन सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना होगा, जिससे हमारी NCL टेक्नीशियन सुपरवाइजर फॉर्म की पूरी डिटेल खुल जाएगी। ये हमारी NCL टेक्नीशियन सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म की पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। इसकी एप्लीकेशन बिगेन 3/8/2020। लास्ट डेट है इसकी 25/8/2020। फीस जमाने की लास्ट डेट है इसकी 25/8/2020। एग्ज़ाम डेट इसकी जल्दी आ जाएगी। एडमिट कार्ड भी इसकी जल्दी आ जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी जनरल OBC EWS की 500 रुपये फ़ीस है। SC ST की कोई फीस नहीं है। इसकी मिनिमम एज 18 ईयर है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है। एज लिमिट है इसकी 25/8/2020। टोटल पोस्ट इसमें 512 है। सुपरवाइज़र की पोस्ट इसमें 79 है। 3 ईयर का इंजीनियर डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का। टेक्नीशियन में 433 पोस्ट निकली हुई है। 10वीं पास होनी चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका अप्लाई फॉर्म हमें यहाँ से क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद ये हमारी अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म खुल जाएगा। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया। इसमें हमें पहले सबसे पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर आधार कार्ड, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसमें फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, ये सब भर लेना है। फिर हम यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें लॉगिन आईडी पर क्लिक करना है और फिर हम आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले हम इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन कर लेंगे। डाउनलोड नोटिफिकेशन हमने यहाँ से करना है। डाउनलोड नोटिफिकेशन स...
सॉरी इसमें ये नोटिफिकेशन खुल नहीं रहा, आप अपने फ़ोन में इसको आराम से ओपन कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में बस ये छोटी सी न्यूज़ आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।